मऊ जनपद के एक बड़े स्वर्ण व्यवसायी की हत्या करने आए पूर्वांचल के मशहूर D9 गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस गैंग का सरगना पुलिस की गिरफ्त से निकल भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 तमंचा, कारतूस और मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही गिरफ्तार करने वाली पुलिस और स्वाट टीम को पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। बताते चलें कि मुखबिर द्वारा सरायल खंची थाने की पुलिस और स्वाट टीम को सूचना दिया गया कि क्षेत्र के भैसई नदी पुलिस के पास कुछ बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस टीम ने भैसई नदी के पास स्थित एक संदिग्ध मकान पर दबिश दिया। पुलिस को आता देख मकान के कमरे से बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। साथ ही एक बदमाश स्कॉर्पियो वाहन से फरार हो गया। पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए 3 बदमाशों को धर दबोचा, साथ ही उनके पास से 3 तमंचा, कारतूस और एक मोबाइल फोन को बरामद किया है। साथ ही चिड़ियाकोट थाने के बहलोपुर गांव निवासी फरार बदमाश अनुज कन्नौजिया को गिरफ्तार करने में पुलिस जुटी हुई है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों में वसीम अहमद आजमगढ़ जनपद के तरवा थाने के बासव गांव निवासी हैं, मोहम्मद अरसद चिड़ियाकोट थाने के यूसुफाबाद गांव का निवासी है और संजय पटेल आजमगढ़ थाने के तरवा थाने के सराय त्रिलोचन गांव का निवासी है। इसके बाद पुलिस ने तीनों का चालान न्यायालय कर जेल भेज दिया है। हम लोगों को एक ये पता चला कि एक गैंग है जो D9 से संबंध रखता है, जो कुख्यात गैंग है, और उसके कुछ सदस्य जो है एक योजना बना रहे हैं कि एक बड़े सर्राफा व्यवसायी की हत्या कर लूट करने की योजना बना रहे थे। ये शहर में एक बड़े व्यवसायी का, बड़े सर्राफा व्यवसायी के साथ ये घटना को अंजाम देने जा रहे थे मऊ शहर में। पुलिस मुठभेड़ कहाँ पे हुई है? ये पुलिस मुठभेड़ भैंसही पुल है बॉर्डर के पास, गाजीपुर के सराय लखनसी थाना क्षेत्र में, वहीं पर। अगर ये इसमें सफल हो जाते तो बड़ी सनसनीखेज और बड़ी घटना होती, लेकिन इसके पूर्व में ही क्राइम ब्रांच की टीम, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर राजेश यादव जी कर रहे थे और सराय लखनसी की टीम जिनका नेतृत्व भगत सिंह कर रहे थे, इनके द्वारा एक पुलिस मुठभेड़ में ये 3 अपराधी पकड़े गए हैं। ये 3 लोग पकड़े गए हैं मौके से, और इसमें इनका एक साथी है अनुज कन्नौजिया, जो कि पुराना हार्डकोर अपराधी है। ये बिना नंबर की एक स्कॉर्पियो से भाग गया मौके से। बरामदगी में 2 अदद तमंचा है 315 बोर, 3 कारतूस है 315 बोर की, एक खोखा है 315 बोर का, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो कि ये संदेश पटेल इसका इस्तेमाल कर रहा था, और साथ में मोबाइल आदि भी बरामद हुए हैं।